जितने हमारी माताएं एवं बहनें हैं, कस्तूरबा बालिका विद्यालय का ब्रेकिंग न्यूज जो है ना अभी निकल के आ रहा है। अगर आप वेबसाइट विजिट नहीं किए हैं तो अभी वेबसाइट आप विजिट करिएगा, ये न्यूज वहीं से निकल के आ रहा है। हाँ, बहुत ही शानदार न्यूज आ रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि हम देने जा रहे हैं आपको ब्रेकिंग न्यूज। अभी तुरंत का न्यूज दे रहे हैं, अभी जस्ट तुरंत का न्यूज दे रहे हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रहिएगा अपडेटेड रहिएगा। यस, हम बात कर रहे हैं, क्या नोटिस आया है वेबसाइट पे, क्या लिखा हुआ है उसमें, हम पूरा इस वीडियो में आपको बताएंगे उसका क्या मतलब है, वो पूरा हम आपको समझाएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाले हैं कि जो नोटिस आया है इसमें 5-6 पॉइंट लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या असर पड़ेगा और इससे क्या फायदा होगा हर एक स्टूडेंट का, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है, जिसका सिलेक्शन लिस्ट में है, सबको क्या फायदा होने वाला है। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट करके आप अपना क्वेरी पूछिएगा। तो क्या आया है न्यूज, चलिए हम आपको बताते हैं, मोबाइल निकालते हैं और इसमें देखते हैं कि वेबसाइट पे क्या आया है न्यूज। तो देखिए, अब अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो पहले यहाँ पे देख लिए हम लिखे हुए हैं, जिला नियोजन समिति के द्वारा नियोजन संबंधित कार्य। मतलब क्या है कि कस्तूरबा वाले ने जिला नियोजन समिति को पत्र भेज दिया है, जिला नियोजन समिति के द्वारा जो नियोजन संबंधी कार्ययोजना होगा उसका पूरा सूची जिला को भेज दिया गया है, जिला को 20 तारीख को ही भेज दिया गया, ठीक है, जिला को पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है ना कल ही भेज दिया गया है, ठीक है। अब इस कार्यक्रम के कुछ पहलू हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट्स क्या है कि 20 तारीख को ही जो है ना जो एजेंसी है वो अपना क्या करेगा, सबसे पहले 20 तारीख को ही जो भेज दिया गया शर्त के आधार पर तैयार किया गया मेगा सूची और चयन सूची, ये दोनों सूची जो है ना डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका है। अब जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे थे, अब जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किए थे, तो आपका मेगा सूची और चयन सूची दोनों वहां पहुंच चुका है। तो जिनका मेघा सूची में नाम है उनके लिए भी खुशखबरी है और जिनका चयन सूची में है उनके लिए भी है, लेकिन वो थोड़ा सतर्क हो जाए, चयन सूची वाले सतर्क हो जाएंगे, बिकॉज अब आपको समय नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहिएगा कि हमको कुछ समय मिल जाए कुछ कर ले, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपका तैयार मेरिट लिस्ट पहुंच चुका है आपके डिस्ट्रिक्ट में। अब इसके बाद क्या कार्यक्रम है, तो 24 तारीख को 24 तारीख को जो है ना, अगर आप देख लीजिए 24 तारीख को जो पदवार एवं प्रखंडवार तैयार चयन सूची की स्थापित नियम रोस्टर के आलोक में जांच एवं त्रुटि पाए जाने पर निराकरण, 24 तारीख को जो है ना जो भी ये त्रुटि हुआ है, जो भी जिसका भी त्रुटि निकल के आ रहा है कि मेरा रैंक 1 था अभी नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हुआ है, आपको 24 तारीख तक, ठीक है ना, इसके बारे में क्या करना है, अपील करना है। 24 तारीख तक आप अपील कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है सपोर्ट टीम से या इनका जो ईमेल आईडी है उससे या जो आपके जिला में जो नियोजन समिति बनाया गया है उनसे 24 तारीख तक, ठीक है, 24 तारीख तक। इसके बाद देखिए क्या है, 26 और 27 तारीख, ये दो तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 26 और 27 तारीख को जो है ना दो काम होने जा रहा है। 26 और 27 तारीख को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, 24 को तो हो गया जांच की त्रुटि पाए जाने पर निराकरण किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। 26 तारीख और 27 तारीख को जिला कार्यालय में चयन सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान होगा एवं सत्यापन होगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, जो आपके जिला कार्यक्रम के चयन सूची के अभ्यर्थी का मूल प्रमाण पत्रों का मिलान एवं सत्यापन, मतलब आपका डेट जो है ना वेरिफिकेशन का वो 26 और 27 दो दिन है, दो दिन जो है ना आपको दिया गया है, 26 और 27 को वेरिफिकेशन होगा, 26 और 27 को। तो बार बार हम बोल रहे हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट को क्या करो, अपडेट करो। अब देखो सबसे बड़ा है कि अगर आप वेरिफिकेशन में कमजोर पड़ गए तो क्या होगा, ठीक है ना, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर जो सेकेंड लिस्ट बनेगा उसमें जो मेरिट लिस्ट में भी रुके हुए हैं उनको बुलाया जाएगा। यदि आपको लगता है कि कोई त्रुटि है मेरे मेरिट लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में, तो आप जो है ना अभी अभी जो है आप 24 तारीख तक इसका निराकरण करवा सकते हैं, ठीक है। अब आइए सर, 31 तारीख को क्या होने वाला है, ठीक है, 31 तारीख को क्या होने वाला है, अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा अपडेट रहते हैं, आपके लिए ही अपडेटेड रहते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुड न्यूज है आपके लिए।
तो 31 तारीख को जो है जिला नियोजन समिति की बैठक में अंतिम रूप से चयनित सूची का अनुमोदन, तो 31 तारीख को जो है ना फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार किया जाएगा। 31 तारीख को, ये 31 तारीख को फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा। मतलब अभी आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन बचा हुआ है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, सिलेक्शन में नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है, उसमें आएगा। ठीक है ना, ये लिस्ट में नहीं आया तो नेक्स्ट लिस्ट में आएगा, अभी तो शुरुआत हो गया सर। ठीक है, और सुन लीजिए क्या है। ठीक है ना, अगला पॉइंट सुन लीजिए। 9 तारीख, 9 अगस्त, सॉरी, 3 अगस्त जो है, ठीक है, 31 तारीख को हो गया चयन सूची का अनुमोदन हो जाएगा अंतिम रूप से। 3 तारीख, 3 अगस्त को जो है जिला नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा प्रखंडवार चयन सूची संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध किया जाएगा। 3 अगस्त को जो भी ब्लॉक वाइज जो है प्रखंड ब्लॉक वाइज चयन सूची संबंधित प्रखंड शिक्षा अधिकारी, मतलब बीडीओ को, ठीक है ना, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड में जो शिक्षा के पदाधिकारी होंगे उनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो 3 तारीख को उनके पास उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि 31 तक जो है ना उसका पूरा का पूरा अंतिम रूप से लिस्ट बन जाएगा। 3 तारीख को प्रखंड शिक्षा अधिकारी के पास चला जाएगा, और 3 तारीख के बाद 9 तारीख को, ठीक है ना, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाना है। नियोजन पत्र आपको 9 तारीख को ही मिल जाएगा, मतलब 9 अगस्त को नियोजन पत्र आपको मिल रहा है। 9 अगस्त को आपको नियोजन पत्र मिल रहा है, और अगर 9 अगस्त तक आप जो है अपना वेरिफिकेशन का जो डेट है उस पर सही से वेरीफाई नहीं हुआ, तो 9 अगस्त को जिनको नियोजन पत्र मिलना है उनको मिल जाएगा। फिर से जो है ना सेकेंड लिस्ट निकाला जाएगा, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग जो उसका आवश्यकता होगा उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। अगर अभी भी आपको कोई त्रुटि है तो उसका डेट 24/7/2023 तक दिया हुआ है। त्रुटि का मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ लोग का कहना था कि फॉर्म फिलअप करने वक्त कुछ हो गया, कैटेगरी बदल गया, ठीक है ना, किसी को लगता है कि मेरा बहुत बढ़िया नंबर है, रैंक 1 था, अभी तक जो है सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया, ये सब संबंधित आप इनसे क्या कर सकते हैं, जिला नियोजन समिति के पास जो आया है वहां जाके आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, इनके सपोर्ट स्टाफ से बात कर सकते हैं। तो ये आपका ब्रेकिंग न्यूज है, क्लियर है ना, कब क्या करना है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको जो है ना ये ध्यान रखना है, ये पूरा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, पूरा डेट लिख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग काम शुरू कर दीजिएगा। अभी भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक का बटन दबाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए मेरी माता एवं बहने, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं टू द अपडेट न्यूज लाते हैं, जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन पता होता है हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, थैंक यू। तो आप तैयार हो जाइए, जितने भी लोग हैं सब तैयार हो जाइए।